इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेदी और आइए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन हुआ है। राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, राज्यपाल कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया, राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन हुआ है, यह बड़ी जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, जहां प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन हुआ, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में शांति और अहिंसा को लेकर राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन हुआ है। तो प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है, यह बड़ी जानकारी इस वक्त। राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में अहिंसा और शांति विभाग का गठन हुआ है। राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में कैबिनेट के प्रस्ताव को राज्यपाल ने दी है मंजूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश उडांगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी, प्रदेश में शांति और अहिंसा के विभाग का गठन हो चुका है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच तो सरकार कामकाज है तो बदस्तूर जारी, कामकाज नहीं प्रभावित हो रहा। सीएम अशोक गहलोत लगातार फैसले करते और राजस्थान और वही अब आज को सच्चे तो विचार वो राजस्थान आज बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।